नमस्कार दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त मनु मोड़। जेल वार्डर का एग्जाम देने तो पहले इन्ह क्वेश्चनों एक बार तुम रट लो, क्योंकि डायरैक्टली तुम्हें एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इन्हें इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी अपने क्लासेस बेस तुम्हें थ्योरी में समझा भी दिए हैं। जो तुम वो क्लासेस नहीं देखे तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं तुम्हें उन्होंने वीडियोज़ के लिंक दे देंगे। वह थ्योरी की क्लासेस भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो काफ़ी इंपोर्टेंट क्लासेस ने। तो हूँ टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन नंबर एक की गल करिए। वाईफाई का अर्थ की है तो वायरलैस फैडिलिटी वाईफाई का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर टू की गल करिए, वायरलैस संचार कदों शुरू होया से 1885 ईस्वी में वायरलैस ट्रांसमिशन स्टार्ट होया से। क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, वाईफाई किस साल में शुरू किया गया से तो 1991 ईस्वी में वाईफाई की शुरुआत हुई सी। क्वेश्चन नंबर फोर की गल करिए, वाईफाई किस देश में सब तो पहला शुरू किया गया से तो नीदरलैंड सब तो पहला शुरू होया से। क्वेश्चन नंबर फाइव की गल करिए, वाईफाई किस कंपनी द्वारा बनाया गया से, NCR कारपोरेशन प्लस AT&T कारपोरेशन द्वारा सब तो पहला वाईफाई का निर्माण होया से। क्वेश्चन नंबर सिक्स की गल करिए, पहला वायरलैस उत्पाद का नाम के सी, वेवलैन यानी WLAN पहला वायरलैस उत्पाद से। क्वेश्चन नंबर सैवन की गल करिए, IEEE स्टैंडर्ड कदों बनाया गया से तो 1997 में IEEE स्टैंडर्ड बनाया गया से। IEEE स्टैंडर्ड रिलेटड थ्योरी में मैं काफ़ी चंगी क्लासेस तुम्हें प्रोवाइड करवाई हुई ने, उन्होंने एक बार विजिट जरूर कर लो। क्वेश्चन नंबर एट की गल करिए, वाईफाई IEEE स्टैंडर्ड नंबर की है, वाईफाई का IEEE स्टैंडर्ड नंबर की है तो IEEE 802.11ax वाईफाई का नंबर है। देखो दोस्तों, जो तुम जेल वार्डर के एग्जाम रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय करना चाहते हो जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी तुम ले सकते हो। इस तो अलावा इस तरह के मॉक टेस्ट भी तुम्हें साढ़े चैनल वालों प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जे यह मॉक टेस्ट तुम एक बार पास कर लोगे, सॉल्व कर लोगे तो काफ़ी 50% एग्जाम जो इन्हों मॉक टेस्टों में ही कवर हो जाएगा। इस मॉक टेस्ट में भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाए हुए हैं। इस तो अलावा जो तुम ऑनलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो कॉन्सटेबल और हैड कॉन्सटेबल के रिलेटेड तो भी इस रिगार्डिंग मैं इंस्टाग्राम से फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी तुम ले सकते हो। दोस्तों, ये तो वाईफाई के रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस तो बाद आप गल कर लेने अपना 3G 4G नैटवर्क्स बारे। क्वेश्चन नंबर 70 की गल करिए, 3GPP संगठन शुरू कदों होया सी। याद रखो, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, 1998 में 3GPP संगठन शुरू होया सी। क्वेश्चन नंबर 71 की गल करिए, 3GPP का काम की है, यह एक सैलूलर संचार म्यार है, मतलब सैलूलर कमीशन स्टैंडर्ड प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 72 की गल करिए, 3GPP संगठन में कितनी संस्थावां शामिल ने तो इस विच टोटल 7 संस्थावां शामिल ने। इन संस्थावां के नाम ने ARIV, ATIS, CCS, ETSI, TSDSI, TTA, TTCA। क्वेश्चन नंबर 73 की गल करिए, 5G नैटवर्क का विकास किस साल होया सी तो अप्रैल 2019 तो 5G चाइना भी स्टार्ट हो चुका है, भारत में हाले तक प्रोपरली वे नाल यह इस्टैबलिश नहीं होया। क्वेश्चन नंबर 74 की गल करिए, किहड़े देश ने सब तो पहला 5G नैटवर्क शुरू किया सी तो साउथ कोरिया ने सब तो पहला 5G नैटवर्क की शुरुआत की सी। उन्हां देशों के नाम दसो जो 5G टेक्नोलॉजी नूं बनाउण अते लगाउण विच दुनिया की अगवाई करते हैं, साउथ कोरिया, चाइना ते USA। क्वेश्चन नंबर 76 की गल करिए, 5G नैटवर्क नूं लॉन्च करने वाली पहली कंपनी का नाम दसो, एरिकसन 5G, पहला मोबाइल फोन का नाम जो 5G नूं सपोर्ट करता है, सैमसंग गलैक्सी S2 यह 5G नैटवर्क नूं सपोर्ट करता है। 5G टैक्नोलॉजी विच IoT का पूरा नाम क्या है, इंटरनैट ऑफ थिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 79 की गल करिए, 5G टैक्नोलॉजी प्रति वर्ग किलोमीटर किन्ने उपकरण का समर्थन करती है, मिलियन ऑफ डिवाइसिस। तो क्वेश्चन नंबर 80 की गल करिए, 5G टैक्नोलॉजी किस टैक्नोलॉजी पर आधारित है तो यह सारे जोड़े भी फीचर ने OFDM NR ते सब 6 GHz MM वेव, इस तो अलावा OFDM टैक्नोलॉजी का पूरा नाम, ऑर्थोगोनल फ्रीकुएंसी डिसीजन मल्टीप्लैक्स OFDM का पूरा नाम है, NR टैक्नोलॉजी का पूरा नाम, न्यू रेडियो एक्सेस इसका पूरा नाम है। और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की गल करिए, पहले 3G नैटवर्क कदों शुरू किया गया से, 3G नैटवर्क 2001 में शुरू होया से, पहले 3G नैटवर्क किस कंपनी द्वारा आरंभ किया से तो हचिसन टेलीकम्युनिकेशन द्वारा 3G नैटवर्क सब तो पहला शुरू किया गया से। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, पहला देश का नाम 3G लाइसेंस लैन वाला, मतलब कि पहला देश कि जिन्हें 3G का लाइसेंस लिता से तो फिनलैंड ने लिता से।
ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 3G ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਜਪਾਨ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3G ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਸ ਸਾਲ ਆਰੰਭ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3G ਨੈਟਵਰਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 2008 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 3G ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? MTNL ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। MTNL ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਨਗਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਡ ਇਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ PDF ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਿਰਫ 44 ਰੁਪੀਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ YouTube 'ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ PDF ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ।